पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए दावत इस्लामी के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश भर में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक वृहद वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में जागरूकता पूर्वक बड़े पैमाने पर वृक्षों को रोपा जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई शहर के जामा मस्जिद सेक्टर 6 परिसर में भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण दावत इस्लामी के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस दौरान मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने आम, जाम, जामुन सहित अन्य प्रकार के पौधों को रोपकर जागरूकता का संदेश देते हुए इन पौधों को संरक्षित रखने के लिए स्वयं के साथ अन्य लोगों को शपथ दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं और पौधा हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और पौधा हमें समझिए तो एक नई ज़िंदगी भी देता है और वातावरण को, एटमोसफेयर को बेहतरीन रखने में ये काम है, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर रखता है। और दावत इस्लामी के तहत ये पौधा रोपण का काम चल रहा है और ये नबी करीम की तालीमात का भी हिस्सा है, इसलिए हर मुसलमान को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और पौधा लगाने में लगाकर अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है।